अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है, और उसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये तकरीबन चार मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको बहुत बारीक नहीं, थोड़ी सी मोटी काटेंगे, और ये सब एक साथ ही जाएगा। और अब मैं इसके अंदर जो है वो गरम मसाला डाली हूँ। ये मैंने दो लौंग लिए हैं, दो बड़ी इलायची है, चार लौंगे, दो दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, और पाँच छः जो है काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है। बस ये डालेंगे गरम मसाले इसके अंदर, और हल्दी डालेंगे। अब मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये यहाँ पर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ है, और थोड़ा सा वाइट ज़ीरा, इसका मैंने पेस्ट बनाया है, क्रश किया इसको। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है हमने, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 ग्लास या 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास जो है वो पानी ऐड करेंगे, और उसको धीमी आँच पर पकने देंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 1 ग्लास लिया है, और ये 1/2 ग्लास और डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक ये गोश्त गल। देखें, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, इसलिए मैंने इसकी बोटियाँ अलहदा कर ली हैं। और यहाँ पर अब मैं जो है इसका मसाला रेडी करूँगी। अब ये मसाला जो है भुन गया है, इसके अंदर हम अभी टमाटर और दूसरे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर अभी टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया था। अब हमने यहाँ पर टमाटर, ये मैंने उसको क्रश कर लिया था, और अब जो है मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। अब यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे, 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, और कुछ धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 2 टेबल स्पून जाएगा, और सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर आप आलू भी डाल सकते हैं, अगर आप बॉईल आलू डाल दूँ, इससे मैं अभी नहीं डाल रही। अच्छा, यहाँ पे ये सॉल्ट मैंने डाल दिया, वो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है सॉल्ट। अब इसको मिक्स करेंगे। अब साथ साथ मैं यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर, यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर, जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो बोटियाँ थी, जो गोश्त सॉफ्ट हो गया था, वो भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, ये आधा भून चुका है। अब इस स्टेज पे मैं जो है मैंने आलू बॉईल किए हैं। अच्छा, ये मैंने हाफ बॉईल किए हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये फुल बॉईल नहीं है। अब मैं इसके अंदर इसको थोड़ी देर पकाऊँगी, भूनूँगी, तो ये मैं ये यहाँ ऐड कर लूँगी। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। और फिर इसको थोड़ी देर में ढक कर रख दूंगी, और आँच जो फ्लेम है थोड़ी सी लो कर देंगे। अब यहाँ पर जो है मैं ये गोश्त जो है वो ऐड कर दूंगी। बेसिकली ये तरीके से नहीं बनाती मैं, लेकिन आज जो है मेरा गोश्त जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, इसलिए मुझे डाउट था कि मैं जब इसको भूनूंगी, इस तरीके से पानी उसका ड्राई करूंगी, तो ये टूट जाएगी बोटियाँ, इस वजह से मैंने उसको इस तरह किया। अब इसके साथ इस थोड़ी देर इसी तरह पकेगा, उसके बाद उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर उसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने ये हरी मिर्च और धनिया ऐड किया है अभी, और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी यहाँ पर। अच्छा, ये भून चुका है। अब यहाँ पर जो है मैंने जिस पानी में आलू को बॉईल किया था, मैं वही पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें और डालना है तो हम डालेंगे, अदरवाइज़
इतना ही पानी डलेगा इसमें। ये देखिए मैंने इसमें पानी और ऐड किया है क्योंकि मुझे वो कम लग रहा है, तो क्योंकि ये थोड़ी देर और पकेगा इसके साथ तो फिर पानी और खुश्क हो जाएगा। अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें मज़ीद धनिया और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको थोड़ी देर फुल आंच पर पकाएंगे। तो ये देखें सालन जो है वो रेडी है, तो अब मैं आपको उसको निकाल कर दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें पानी जो है वो मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि हम लोग इसको राइस के साथ खाएंगे। आपकी अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें पानी कम डालें और आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल रही हूँ। तो आलू गोश्त जो है वो रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।